कल पुण्यन माई बैठ रहे करो फुल बुझाई वृक्ष लताओं की छाव में बैठे हैं सिद्धार्थ गौतम, अर्ध नेत्र बंद हैं। अचानक क्या देखते हैं और जग के आई तैरते ही कालू और जग के आई तैरते ही कालू भूमि गिरू सर भी मरालू सिद्धार्थ गौतम तो अर्ध नेत्र किए हुए बंद किए हुए बैठे हैं। उसी समय अचानक एक हंस पक्षी घायल अवस्था में आकर के सामने गिरा है, जिसके हृदय में बाण विदा हुआ है। उस पक्षी को देखा तो हाय शब्द मुंह से निकल गया, अरे किस निर्दयी ने इसे बाण मारा है। दौड़ करके उस पक्षी को उठाया, उसके बाण को निकाला है तो रक्त और तेजी से बहने लगा। एक घास हुआ करती है नूर रेज नाम की, उसका रस लगाया है तो रक्त रहना बंद हुआ। जब उस पक्षी को सांत्वना मिल गई तो उसे पानी भी पिलाया। ये क्रियाएं सिद्धार्थ कर रहे हैं। तब तक इनका चचेरा भाई देवदत्त, हाँ जो महाराज से दोधन के छोटे भाई थे दौतोधन, उनके दो पुत्र थे देवदत्त और आनंद। देवदत्त हाथों में धनुष बाण लिए हुए सामने आया है और कहने लगा, भैया ये पक्षी तुमने कहां पाया? सिद्धार्थ कहने लगे, इसे किसी दुष्ट ने मारा है। देवदत्त कहने लगा, इसे किसी ने नहीं, इसका शिकार किया है मैंने। अरे हम राजा के पुत्र हैं, मेरा काम है शिकार करना। सिद्धार्थ कहने लगे, तुम शिकार नहीं किए, तुमने हत्या की है, तुम हत्यारे हो। देवदत्त कहता, ये हमें दीजिए। सिद्धार्थ कहते, नहीं जरा सोचो। ओ बेदर्दी भैया, सिद्धार्थ कहो तुम बोले, ओ बेदर्दी भैया क्यों मारा इसको तीर, और भोला भाला पक्षी है नैनों से बरसे नीर। तुम्हारा नुकसान किया? देवदत्त कह रहा है, ये मेरा शिकार है, मैं क्षत्रिय हूं, राजा का पुत्र हूं। सिद्धार्थ बोले, नहीं इस पक्षी मारा, मैंने बचाया, इसलिए तुमने इसको
ऐसे तुम राजा के पुत्र हो? अरे ये जरा सा रक्त देख करके कांप रहे हो? जरा सोचो, गौतम तुम दया दिखाते हो, क्षत्रिय ना दया दिखाते हैं, और वन में पेड़ खड़े देखो सीधे जाता है कुल्हाड़ी लेकर के, सब सीधी लकड़ी काटते हैं, टेढ़ी कोई नहीं काटता है। और तुम राजा के पुत्र हो, अभी राजकुमार हो, आगे राजा बनोगे। अगर किसी राजा ने तुम्हारे राज पे चढ़ाई कर दी तब रक्त देख जो कपते हैं, रणभूमि में नहीं जाते हैं, और छतरी ही पत्थर से बनकर जब युद्ध में वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारे जैसे लोगों की नहीं। और तुम कह रहे हो ये भोला भाला पक्षी है, इतने भोले मत बन जाइए। भोले बन शासन नहीं चलता, ये तुमको हम बतलाते हैं, और छत्री ही रक्षा कर पाते कायर तो मारे आते हैं छत्री ही। युद्ध में छत्रियों की आवश्यकता है। सिद्धार्थ कहने लगे, तू अपने छत्री कह रहा है? साथ तुझे छत्री की परिभाषा नहीं मालूम है, छत्री किसे कहा जाता है? छत्री शब्द की उत्पत्ति हुई छाता से, और छाते का क्या काम है? धूप है तो लगाइए, छत्री लगाइए रक्षा होगी। वर्षा हो रही है, छत्री लगाइए रक्षा होगी। तो छत्री का मतलब है रक्षा करना, किसी को मारना काटना सताना वो छत्री नहीं कहलाता है। गौतम रहे हैं उसे समय जाई,
शिक्षा पढ़ के पत्नी को है पढ़ाया। राव ज्योतिबा शिक्षा पढ़ के पत्नी को है पढ़ाया। सावित्री ने आए धरा पे माँ बहनों को जगाया। शिक्षा शिक्षा जीवन के द्वार पढ़वा पा साहब ने संविधान रचवाया। हाँ शिक्षा पढ़वा पा साहब ने संविधान है रचाया। शिक्षा के कारण ही उन्होंने पद कानून मंत्री का पाया। शिक्षा शिक्षा जीवन बेकार मेरे बंधुओं। आज देवदत्त कह रहा है एहन समय चाहिए। सिद्धार्थ कहते नहीं तो कहने लगा चलो राजा के दरबार में न्याय कराएंगे। अरे सुन भ्राता की बात को अरे मेरे भैया, कोई हंसी को लियो तो पक्षी को गोद में लिया है और सिद्धार्थ गौतम देवदत्त के साथ चले। सिद्धार्थ गौतम उस पक्षी को लेकर के महाराज सिद्धोदन के पास दरबार में पहुंचे कि हंस उठाए कुमार तब चले राज दरबार। जा पहुंचे दरबार में कोई जाए के करी जुहार। सभी सभापतियों को नमन किया दोनों भाइयों ने। हाय गीत बोल लीजिए।